हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा, जहां कोशिश हर एक अपडेट और बेस्ट से बेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन लगातार हम पहुंचा रहे हैं। गाइस, जेईई मेन 2023 के आज चौथे दिन की पहली शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, लेकिन मैं सबसे पहले एक बात आप सभी से कहना चाह रहा हूं, मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के अभी भी मैसेज और कॉल ऐसे आ रहे हैं जिनका पहले 31st और 1st ऑफ फरवरी को एग्जाम था, लेकिन उनके एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए हैं और वो बच्चे बहुत परेशान हैं, क्योंकि जेईई मेन जनवरी का जो एग्जाम की डेट फाइनली लास्ट बोल रखी थी वो 1st ऑफ फरवरी लास्ट डेट बोल रखी थी। अब कुछ बच्चों के मैसेज अभी आ रहे हैं कि उनके एडमिट कार्ड रिलीज होने चालू हो चुके हैं, जिनको कल की डेट दी गई है 31st ऑफ जनवरी की, और वो भी सुबह की शिफ्ट के टाइम दिया गया है। तो मैं सारे पहले उन बच्चों से कहना चाहूंगा जिनके पास अभी तक भी उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है और वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इंटीमेटेड सून, और उन्होंने पहले चारों सेंटर ना मिलने पे मेल किया एनटीए को, या फिर उनको मनचाह सेंटर मिल गया लेकिन फिर भी उनके एडमिट कार्ड को होल्ड पे रख दिया गया और अभी तक उनको ये पता नहीं कि उनको एग्जाम देने कहां जाना है और उनकी एग्जैक्टली डेट क्या है। आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, इस समय ज्यादा हौच पौच और परेशान ना हो। मैं बिल्कुल समझता हूँ आपकी परेशानी को कि अगर किसी बच्चे का कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है और उसको यही नहीं पता कि उसको एग्जाम देने कहाँ जाना है, वो ट्रेवलिंग भी करेगा, आने जाने का अरेंजमेंट भी करेगा, कहना बहुत आसान हमारे लिए भी है कि पेशेंस रखो, लेकिन अगर हम लॉजिकली भी देखें तो अगर किसी बच्चे का गवर्नमेंट को कल एग्जाम देना है तो वो कैसे ऐसा कर सकती है, मुझे तो बहुत परेशानी से आप सबसे शेयर करना पड़ रहा है कि इतना मिसमैनेजमेंट इस बार एनटीए की तरफ से हुआ है और बच्चे लगातार इस चीज के पेन से परेशान है। और मुझे मैसेज और कल से ही बच्चों के, कल भी बहुत सारे बच्चों के कॉल आए थे, आज भी बहुत सारे बच्चों के कॉल और मैसेज आए हैं कि सर अभी तक हमारा एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ। मैं सारे बच्चों को कहना चाहूंगा प्लीज आप एनटीए के टच में रहिए बाय मेल, उनको मेल से मेल आप लगातार करते रहें, कोशिश करिए 2-3 घंटे में एक बार मेल कर लें, क्योंकि आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, आपका मेंटल स्टेट भी डिस्टर्ब ना हो। मैं बिल्कुल आपकी परेशानी को समझ रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट से इंटीमेट करने का, कॉन्टेक्ट करने का एक ही तरीका है, ईमेल के माध्यम से या फोन के माध्यम से। कुछ बच्चों के सुबह फोन पे एनटीए से बात हुई है और उनका यह कहना था कि हम आज शाम तक आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे, तो आज शाम तक ऐसा लगता है मैक्सिमम बच्चों के एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे जिनका कल 31st को एग्जाम हो सकता है और जिनका 1st ऑफ फरवरी को एग्जाम हो सकता है। तो प्लीज आप एनटीए कॉन्टेक्ट में रहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा जाते जाते मुझे कि आपके एडमिट कार्ड के अभी तक नहीं आए हैं। मैंने ट्वीट किया है अभी एचआरडी मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, पीएमओ को, डीजी एनटीए को, मैं ट्वीट का लिंक भी आपको यहां शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको रिट्वीट कर पाए जिन बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं है और गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे कि भैया यार एग्जाम देने के लिए हम एग्जाम देने में जाने की टेंशन लेके बैठे हैं या हम पढ़ाई करें, ये चीज वाकई में परेशानी वाली है और जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है, एनटीए की बनती है, जो भी कंडक्शन बॉडी है उनको समझना ये चाहिए कि बच्चों के एडमिट कार्ड तो रिलीज करो, अगर आपको 31st और 1st को एग्जाम कराना, आप एक दिन पहले एडमिट कार्ड बताओगे और बच्चा आने जाने का अरेंजमेंट कैसे करेगा। ये सब अब फाइनली कहता हूँ, डिस्कशन का इतना पॉइंट इसलिए नहीं लग रहा, लेकिन आप प्लीज एनटीए कॉन्टेक्ट में रहिए, ये गलत बात एनटीए की है और वाकई में जिम्मेदारी एनटीए की बनती है। जिन बच्चों के एडमिट कार्ड अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं उनको जरूर एडमिट कार्ड रिलीज करें, जल्द से जल्द एडमिट कार्ड रिलीज करें, कम से कम एग्जाम देने के लिए सेंटर तो बताएं कहां जाना है, क्या टाइम को एग्जाम है, कितने बजे पहुंचना है, अदरवाइज बच्चा अरेंजमेंट भी कैसे करेगा। हॉचपॉच कई बच्चे हैं, मुझे दर्द है, दुख है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं आज जो 30th को आज जो एग्जाम सुबह की शिफ्ट का हुआ, ये अब तक के हुए एग्जामों में से इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा दिखाई दिया, जो मेरी एकेडमिशन और स्टूडेंट के फीडबैक के हिसाब से अभी तक मुझे दिखाई दे रहा है। इसके हिसाब से मैथमेटिक्स की सबसे पहले बात कर ले, मैथमेटिक्स एज पर लास्ट जो पेपर हुए हैं कुछ दिनों में, मैथमेटिक्स लेंथी दिखाई दे रही है। फिजिक्स की बात कर ले, फिजिक्स वैसी के वैसी आ रही है, थोड़ा इजी सेट जाती हुई दिखाई दे रही है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज दिखाई दिया आज के पेपर में, केमिस्ट्री थोड़ी सी मोटरेट टू टफ साइड जाती हुई दिखाई दी, यानी मैथमेटिक्स लेंदी, फिजिक्स इजी, केमिस्ट्री में ट्रिकी क्वेश्चन थोड़े से ऐसे क्वेश्चन थे जो करने में सिस्टमेटिकली टाइम बच्चों को लग रहा था, तो थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ साइड जाती हुई दिखाई दे रही है। और ओवरऑल पेपर जब बात करते हैं तो आज का पेपर का जो स्टैंडर्ड तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर के थोड़ा दिखाई दे रहा है वो पिछले 3 दिन में हुए पेपर से थोड़ा सा अच्छा चला गया, यानी पूरा पेपर मॉडरेट टू टफ साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसकी बात और करें आपसे कि मॉडरेट टू टफ अगर आज 30th ऑफ जनवरी की सुबह के शिफ्ट का पेपर रहा तो परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स क्या हो सकते हैं और जो बच्चे पेपर देके आए हैं उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से क्या कुछ उनके मार्क्स अगर वो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं उनकी परसेंटाइल पहुंच पाएगी। सबसे पहले बात करें आज के मॉडरेट टू टफ वाले पेपर के लिए, अगर आपका 99.9 परसेंटाइल के हिसाब से प्लान है तो आज के पेपर में 220 से 240 मार्क्स, 99.7 के लिए 190 से 210, 99.5 के लिए 180 से 190, 99 के लिए 170 से 180 मार्क्स,
98.5 के लिए 155 से 165, 98 परसेंटाइल 145 से 150, 97.5 परसेंटाइल 140 से 145, 97 परसेंटाइल आज के पेपर में 125 से 135, 96.5 परसेंटाइल 120 से 125, 96 परसेंटाइल 115 से 120, 95.5 परसेंटाइल 110 से 115, 95 परसेंटाइल 105 से 110, 94 परसेंटाइल 100 से 105, 93 परसेंटाइल 95 से 100, 92 परसेंटाइल 90 से 95, 91 परसेंटाइल 85 से 90 और 90 परसेंटाइल करीबन आपका अगर 80 से 90 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके आने की संभावना है। आज का पेपर सुबह का पिछले कई दिनों में हुए पेपर से थोड़ा लेवल में अच्छा चला गया। अभी तक जो पेपर पिछले कई दिनों में वो मॉडरेट सेट जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आज का पेपर थोड़ा मॉडरेट टू टफ सेट जाता हुआ दिखाई दिया, जो स्टूडेंट का फीडबैक मेरे पास आया। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आज के पेपर में आपके कितने मार्क्स आने की संभावना है, और जिन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया वो मुझे जरूर लिखते रहे। आज शाम तक बच्चे एडमिट कार्ड का वेट करें, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं आपकी परेशानी को समझ रहा हूं, लेकिन सरकार के हाथ की बात है, इसमें जितना हम कर सकते हैं। मैं ट्वीट भी किया है, ट्वीट का यहां पर आपको रिट्वीट के लिए लिंक दे देता हूं, आप प्लीज उसको रिट्वीट करिए जिन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया है। विश ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।